running behind me. Ain't nothing about you like Randy. You drop a girl, I take a granny. You nigga pull up your banner. The killers understand me. चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी वीडियो पे इफेक्ट डालना रहता है तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी किसी भी वीडियो पे इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, वो आप सीधे प्ले स्टोर पर जाके सर्च कीजिएगा फोनीमेट और डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा है तो मैं उसे डाउनलोड नहीं करूँगा। तो मैं जैसे उसे ओपन करता हूँ, ओपन करने की वजह से जा रहा है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन आ रहा है इसमें एडिंग का। तो हम इसमें एडिंग, यहाँ से हम एक वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि इस वीडियो को लेते हैं। ओके, तो इसको ट्रिमिंग, इस वीडियो को थोड़ा ट्रिम कर लेते तो बढ़िया रहता। कोई बात नहीं, हो जा रहा। तो इसमें कुछ समय लग सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरह से मालूम चले कि आप किस तरह से अपने वीडियो पे इफेक्ट डाल सकते। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो रेडी हो रहा है इफेक्ट के लिए। तो इसमें परसेंटेज रनिंग स्टार्ट हो गया है, 100% के बाद हम इसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। सिक्सटी परसेंट 70% हो चुका है और 100% में कुछ टाइम बाकी है। ये देख सकते हैं कि ये वीडियो रेडी हो गया और इस वीडियो में सब कुछ हो रहा है। और इसमें हम जैसे टेक्स्ट डालना चाहेंगे तो जैसे कि हम अपना चैनल का नाम डाल रहे होते हैं, जैसे कि हम अपना चैनल का नाम लिखना चाहेंगे तो जैसे लिखते हैं आरके टेक और इसमें ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। कोई भी इफेक्ट, जैसे सेम टाइप हम इस इफेक्ट को यूज करते हैं या फिर इस इफेक्ट को यूज करते हैं और प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद हम चाहेंगे कि मेरा इफेक्ट इस कॉर्नर पे चले, टच करते हैं या चलना स्टार्ट हो गया। ओके, उसके बाद सेम वीडियो को स्लाइड करके कहीं भी किसी भी जगह पे, मान लीजिए हम फिर इस लास्ट में चाहेंगे एक बार कि इस मेरा जो कि चले, तो फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यानी कि वीडियो यहाँ पर नहीं प्ले हो रहा तो थोड़ा हम आगे जाके करते हैं। तो यहाँ फिर क्लिक किए तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया, यानी वीडियो जिस तरह चलेगा और आपका इफेक्ट भी उसी तरह से आएगा। फिर इसको सेव करते हैं और आपका टेक्स्ट जो है कि यहाँ पर हो चुका है। अब टच इफेक्ट में जाते हैं और जिस तरह ये चमकादर का है और इसमें स्मोक धुआं का आएगा और फ्लेम का आएगा इसमें और आपका इसमें, तो हमको सूटेबली ये जो कॉन्फेटी ये वाला जो कि यहाँ आर्केस्ट्रा के लिए यूज करेंगे, तो ये वाला जैसे कि हम यहाँ पर टच करते हैं गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर एक बार चाहेंगे कि यहाँ पे गिरे इफेक्ट और एक बार चाहेंगे कि यहाँ पे और एक बार इफेक्ट करें। ओके, तो सेव किए और एक इफेक्ट इसमें हम डालेंगे, जैसे कि इस इफेक्ट को। और इस इफेक्ट को अप्लाई हम लोग किस तरह से करेंगे, मान लीजिए आपको इस कॉर्नर से चाहिए तो कॉर्नर से स्लाइड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा। तो सेव कर लेंगे, ये तो इफेक्ट हो गया। और एक इफेक्ट मिक्सचर, इसमें हम लोग जैसे कि वीडियो को नेविनेशन वगैरह, इस ब्लर इमेज डबल, इसमें हम इसमें चाहेंगे कि इसमें वीडियो को यहाँ ले आते हैं और यहाँ पर टच करते हैं। तो इसमें जैसे कि हम चाहेंगे कि ये वाला इफेक्ट यहाँ पर जाए, तो देख रहे हैं कि इफेक्ट आ रहा है। और एक बार हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक बार हो, ये इफेक्ट हो गया। फिर इसमें हम चाहेंगे ग्लास वाला इफेक्ट डाले, तो ग्लास वाला इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। ओके, और एक बार हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो ये डीजे वाला ये है लाइट, तो उसको एक बार डाले, तो उसको टच करेंगे बस इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम जैसे कि लेजर टाइप वाला चाहेंगे, तो ये लेजर वाला को हम टच करेंगे तो ये लेजर वाला इफेक्ट दिख रहा है। तो ये सारे इफेक्ट डाल चुके हैं। कलर अगर फिल्टर में चाहेंगे तो कलर फिल्टर ये देख सकते हैं कि इसमें ये सब कलर फिल्टर है, तो इसको भी डाल सकते हैं और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और वीडियो को सेव कर लेंगे।
अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले।